नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पर चर्चा शुरू करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ इस वीडियो में ये चर्चा समाप्त नहीं होगी, ऐसे और भी कई सारे वीडियो इस टॉपिक से संबंधित आएंगे और ये टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। जब भी हम आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे सुनते हैं तो मन में सवाल आता है कि ये है क्या। तो बहुत ही आसान और सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये एक सरकारी किताब है। 400 पेज के आसपास की ये किताब है जिसमें साल भर के जितने भी आर्थिक गतिविधि राज्य में घटित हुए हैं उनसे संबंधित आंकड़े होंगे, उससे संबंधित प्रवृत्तियाँ होंगी। और इस सरकारी किताब का मुख्य रूप से अगर आप इस्तेमाल देखें तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सरकार की रिपोर्ट कार्ड है ये साल भर की, और सरकार के आगे आने वाले साल के लिए जो भी नीति निर्माण करने होते हैं उन नीति निर्माण के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस किताब की इम्पोर्टेंस हमारे लिए अर्थात सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए क्या है, तो अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो लगातार CGPSC के एग्ज़ाम पर लगभग 2012-13 के आसपास के बाद से जब भी CGPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो, चाहे वो ACF का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CMO का एग्ज़ाम हो, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। और एक दो प्रश्न नहीं, प्रश्नों की संख्या 10 से 15, कई बार तो 20-22 प्रश्न भी हमको देखने को मिले हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से हमने ये देखा है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, लेकिन इसका ये तात्पर्य कतई भी नहीं है कि हमें इसकी तैयारी बंद कर देनी चाहिए। देखिए, इसे तैयार करना इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए तो करेंट टॉपिक पर आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं, और करेंट टॉपिक वो भी ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स के अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो वो आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत ही मुख्य सोर्स के रूप में आप उसे देख सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ACF का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, साथ ही CGPSC मेंस की तैयारी भी आप लोगों की चल रही होगी, और इस टॉपिक को इस समय लाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अब वो सही समय आ चुका है कि आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित प्रश्न और उसके सार को आपसे डिस्कस कर लिया जाए ताकि इस टॉपिक से आधारित जितने भी प्रश्न आगामी परीक्षाओं पर आएंगे, मुख्य रूप से इस पूरे साल भर में, वो सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। और इसीलिए ये सीरीज़ शुरू हुआ है, और इस सीरीज़ में सबसे पहले वीडियो पर अर्थात आज के वीडियो पर हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की या फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी और वह ये है कि आपको ये पढ़ना कैसे है, तो पहले उस पर भी बात कर ले। तो देखिए, ये पावर पॉइंट के माध्यम से मैंने ये वीडियो बनाया है, इस पावर पॉइंट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप ये आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें, ये वीडियो देखें, तो आप उसके PDF को अपने साथ ज़रूर रखें क्योंकि पावर पॉइंट को देखते देखते अगर आप PDF में अंडरलाइन करते रहेंगे, कुछ अन्य जानकारी जो मैं यहाँ पर दूंगा उसे लिखते जाएंगे, तो आपको उस PDF को काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ करने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इस पावर पॉइंट को हमने इस तरीके से तैयार किया है जहां पर टॉपिक के सार भी होंगे और सार के साथ साथ में आपको प्रश्न भी मिलेंगे अभ्यास के लिए, ताकि टॉपिक के सार के साथ साथ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, किस प्रकार का ट्रेंड होता है या प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, ये भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं Chapter 1 आर्थिक सर्वेक्षण। पहली बात तो ये कि बनाता कौन है। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको नीचे पर इसका नाम दिख रहा होगा, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा ये आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। अब अगर बात करें सबसे पहले चैप्टर की, तो सबसे पहला चैप्टर का हेडिंग आप देख रहे होंगे और हेडिंग है आर्थिक समीक्षा एक स्थिति। देखिए, पूरे इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी चैप्टर हैं, लगभग 16 चैप्टर के आसपास इकोनॉमिक सर्वे पर आपको देखने को मिलेंगे, उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर Chapter 1 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि Chapter 1 पूरे चैप्टर की समीक्षा आपके सामने लाकर रखता है, ओवरव्यू लाकर रखता है, अर्थात जितने भी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे उनके क्रक्स पॉइंट आपको इसी चैप्टर पर देखने को मिल जाएगा। और अगर प्रश्नों की बात की जाए तो अगर 10 प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से किए गए हैं
तो लगभग 4 से 5 प्रश्न हमको चैप्टर 1 से देखने को ही मिल जाता है। तो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा के तौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें ओवरव्यू होगा पूरी की पूरी इकोनॉमी सर्वे के चैप्टर्स का। सबसे पहले इसमें जानकारी जो हमको देखने को मिलता है वो भारत के बारे में देखने को मिलता है। और वो जानकारी क्या है, तो सबसे पहले तो आप इस मानचित्र को देखें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि आप इतने वृहद तौर पर सांस्कृतिक विविधताओं से भरे हुए देश के एक नागरिक हैं। अब आते हैं मेन क्रक्स पर, मेन कंटेंट पर, और मेन कंटेंट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वीडियो के कमेंट पर आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसका कार्य क्या होता है। तो IMF के अनुसार भारत की कुछ यहाँ पर जानकारी देखने को मिल रही है और वो ये है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो ये आप याद रखिएगा, 5वें रैंक पर है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी जानकारी इस वीडियो पर आपको दी जाएगी वो इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित होगी, इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड होगा। तो सबसे पहली जानकारी वो ये है कि भारत का रैंक GDP के बेसिस पर वो है 5th रैंक, और ये किसने बताया ये रैंक, ये बताया IMF ने। दूसरी जानकारी यहाँ पर यह है कि भारत की रैंक अगर हम क्रय शक्ति अनुपात के आधार पर देखें या परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम देखें तो विश्व में भारत का रैंक 3रा आ जाता है IMF के अनुसार। देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है ये तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ही, लेकिन मैं उसे चाहता हूं कि आप और वृहद तौर पर अगर इसे समझना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के वीडियोस आप देख लें जो मोबाइल कोर्स पर आपको उपलब्ध हो जाएगा वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो, और आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी का अर्थ क्या होता है। क्योंकि अगर आप YouTube पर कमेंट करेंगे, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ये 2-way कम्युनिकेशन स्थापित होता हुआ दिखेगा और वीडियो की क्वालिटी और बेहतरीन होगी और हमारे मेहनत की क्वालिटी भी उसी के अनुपात में बढ़ते जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानकारी देखने के बाद इससे संभावित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न आपको कुछ दिख रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिनांक 13 नवंबर 2019 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है या फिर किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके अनुसार मूल्य के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से क्रम की अर्थव्यवस्था है। अब आपको जानकारी यहाँ पर दिख रही है तो आपको जवाब तो मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन डी 5वीं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो बेशक सही उत्तर के तौर पर हमें दिख रहा होगा 5वीं अर्थव्यवस्था। देखिए, इसे आप जब देखते रहें तो कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन के जो नंबर के सीरीज़ आपको कुछ उथल पुथल होते हुए दिखेंगे, लेकिन उस पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन के ट्रेंड को समझना है, प्रवृत्तियों को समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, पहली स्लाइड हमारा यहीं पर समाप्त होता है, अब हम आते हैं दूसरे स्लाइड पर, और दूसरा स्लाइड आधारित है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या रहा, तो वर्ष 2018-19 पर यह विकास दर हमें 6.8% देखने को मिला, और वहीं 2019-20 में ये 5% रहा, और अगर 2012-13 से 2019-20 तक की वृद्धि दर पर अगर बात करें तो ये हमें 5 दिखता है औसत के रूप में। ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा हैं, लेकिन ये डेटा बदल चुका है 19-20 का, तो आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी हाल ही में 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है या फिर कितना वृद्धि दर निकाला गया है। तो चलिए, ये वृद्धि दर आपको तो यहाँ पर दिख गई वर्ष के साथ साथ में, अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे हो सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। ऐसे ही प्रश्न का मॉडल आ सकता है कि असत्य कथन का चयन करें, तो सत्य और असत्य वाले पॉइंट पर आपकी नज़र थोड़ी देर के लिए टिकनी चाहिए ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों। अब इसमें आपको कुछ कथन देखने को मिलेंगे। पहला कथन आपको जो दिख रहा है वो ये है कि वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% थी। ऐसा है क्या? तो अगर आप देखें तो 2018-19 में
प्रतिशत वृद्धि हमें दिख रही है, 6.8%। और वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट पर पहुँचे तो वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी। अब कूटरूपी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और सत्य कथन चुनना है तो क्या केवल एक सत्य है, केवल दो, या फिर एक और दो, दोनों। अब आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हलवे जैसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर इजी और टफ की नहीं है, बात यहाँ पर है प्रश्नों के अभ्यास की, बात यहाँ पर है प्रश्नों के प्रवृत्तियों को समझने की कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसमें इस तरीके से आपको घुमाया जा सकता है कि ये जो 6.8% है इसको 2019-20 के साथ मिला दिया जाए, या फिर 2019-20 का जो परसेंटेज ग्रोथ है 5% इसे 18-19 के साथ में जोड़ दिया जाए और आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाए। तो आप एकदम से क्लियर रहेंगे कि जो ईयर है उसी ईयर के सामने कितना परसेंटेज यहाँ पर है। इसे आप ट्रिक के तौर पर भी याद कर सकते हैं कि औसत और 19-20 वित्तीय वर्ष का वृद्धि दर दोनों ही एक जैसा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सही उत्तर हमको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। अब भारत के जनसंख्या पर कुछ जानकारी दी गई है आर्थिक सर्वेक्षण पर, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं और सीधा हम आ जाते हैं प्रश्न पर, क्योंकि वो जानकारी पर बहुत ज़्यादा चीज़ लिखने वाली या फिर पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंटेंट डालने का नहीं था, तो सीधा प्रश्न के रूप से उसे समझाने का प्रयास मैं करूँगा। प्रश्न ये है कि भारत में युवा जनसंख्या, ब्रैकेट में मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड लिख दिया है, कि प्रतिशत है। अब हमारे सामने सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, या फिर ये युवा जनसंख्या याद रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, युवा जनसंख्या या फिर मैं और आप जैसे लोगों की बात हो रही है, हम वो लोग हैं इस देश के जो इस देश में उत्पादन पर अपनी भागीदारी दे सकते हैं, हम इस देश में रोजगार पर सम्मिलित हो सकते हैं, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं और इस देश के वृद्धि और विकास पर अपना योगदान दे सकते हैं। और हमारे और आपके जैसे जनसंख्या की ये जो मात्रा है, अगर उसके कारण देश आगे बढ़ता है तो उसे हम लाभ कहेंगे, और ये डेमोग्राफी के द्वारा मिला हुआ लाभ है, इसीलिए इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। इसलिए किसी भी देश की युवा जनसंख्या की जानकारी उस देश की क्षमता को बताता है कि वह देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और अगर आप भारत की कहानी देखें तो आप इस इमेज के रूप में देख रहे होंगे कि भारत की ये जो ब्लू लाइन है उस पर लगातार आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी, अर्थात भारत के पास में 1950 के बाद से लेकर 2050 तक की स्थिति कुछ ऐसे दिखने वाली है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी, अर्थात हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि हम अपने देश को काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका के पास में आज भी और आने वाले 30-40 दशक तक भी युवाओं की संख्या कम रहेगी भारत की तुलना पर। तो युवाओं की संख्या ज़्यादा हो जाना अर्थात एक अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए इस फैक्ट को याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं कि कितना परसेंटेज बताया गया है। तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन है, पेज नंबर 3 पर ये आपको दिख जाएगा इकोनॉमिक सर्वे के। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 55% एंड ऑप्शन डी 60%। और सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए 65%, अर्थात 65% जनसंख्या युवा जनसंख्या के भीतर आती है भारत की। तो चलिए इसके बाद अब हम अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं और अगली स्लाइड पर हमारा इंतज़ार समाप्त होता है और हम इंतज़ार कर रहे थे अभी तक छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़ों की। और सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के बारे में क्या दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली जानकारी जनसंख्या के बारे पर है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन माना जा सकता है किसी भी देश या किसी भी राज्य की, वो बेशक जनसंख्या ही हो सकती है। तो जनसंख्या के बारे में क्या दिया गया है, तो जनसंख्या के बारे में ये दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 करोड़ है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार, और ये देश का 16वां बड़ा राज्य है। बहुत ही इजी फैक्ट है, बहुत ही आसान फैक्ट है, आपको ये अमूमन याद ही होगा, लेकिन अब इस पे प्रश्न पर अगर हम थोड़ी नज़र डालेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके से घुमाया जा सकता है, बहुत ही आसान से दिखने वाले फैक्ट पर भी।
भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है ये। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिखे, वो ये है कि 2.55 करोड़ आबादी, फिर उसके बाद जनसंख्या के आधार पर 16वां बड़ा राज्य और भारत देश का ये 2.11% भाग बनाता है। तो अब आते हैं हम इससे संबंधित प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। कथन नंबर एक, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.55 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का 10वां बड़ा राज्य है। और कथन दो, प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ के भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% निवास करता है। ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अब आप यहाँ पर या तो जवाब खोज चुके होंगे और अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग जो पॉइंट किया गया है वो ये है कथन एक पर कि 16वां बड़ा राज्य है, 10वां बड़ा राज्य नहीं है। तो कथन एक अगर गलत हो जाता है तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हट जाता है और ये हो गया एलिमिनेशन तरीका एमसीक्यू सॉल्व करने का कि क्या पता है, जो आंसर पता है उस पर जाने से पहले ये कंफर्म हो जाए कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, उसको हटा दो और अब 50-50 वाला मामला हो जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जैसे ही हट गया तो पूरी कहानी आकर टिक जाती है कथन दो पर, और कथन दो क्योंकि यहाँ पर सही दिखता है कि 2.11% भारत की जनसंख्या का छत्तीसगढ़ पर निवास करते हैं और सही ऑप्शन दिखता है ऑप्शन बी केवल दो। अब यहाँ से देखते हैं कि जनसंख्या पर आधारित कुछ और जानकारी। देखिए ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये रिलीजन वाइज पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की। ये जो ब्लू वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित लोगों की जनसंख्या है, लगभग 88.5% है। अगर आप 6% देखें ये पिंक वाला सेक्शन तो ये मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या है, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर जो जनसंख्या आती है वो क्रिश्चियन समुदाय की है 2.3%, और 1.1% है सिख समुदाय की, और जैन धर्म से संबंधित लोगों की संख्या है 0.9% और अन्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 1.2%। तो देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आर्थिक सर्वेक्षण पर नहीं दिया गया है लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा है कि आप PDF अपने साथ रखेंगे वीडियो को देखते समय, क्योंकि आपको अन्य जानकारी भी मिलेगी, उसे आप वहाँ पर अंडरलाइन और नोट करते जाएंगे। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न अवरोही क्रम का पूछा जा सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं या अगले टॉपिक पर पहुँचते हैं, और यह टॉपिक आधारित होगा लिंग अनुपात से सेक्स रेशियो पर। तो अगर आप जानकारी देखें तो राज्य में जो लिंग अनुपात हमें देखने को मिलता है वो 991 देखने को मिलेगा, अर्थात 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 991 है। सेक्स रेशियो का सीधा मतलब यही होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 1001 दिखेगा, अर्थात हर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1001 है, अर्थात एक महिला की संख्या ज़्यादा है। और वहीं अगर शहरी क्षेत्र पर आप देखेंगे तो ये 956 दिखेगा। तो मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए आप समझ सकते हैं कि रोजगार शिक्षा के अवसरों की खोज के लिए जो पुरुष युवा वर्ग होता है ग्रामीण क्षेत्र का वो शहरों की ओर जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर युवाओं की संख्या थोड़ी सी, युवा पुरुषों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है प्रवास के कारण, और शहरी क्षेत्र पर जाकर वो इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र पर आपको उसका इम्बैलेंस होता हुआ दिखेगा। तो अब अगली जो जानकारी है वो ये है कि भारत संघ में लिंग अनुपात के आधार पर छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान बनता है। अब अगर आप इस मैप पर देखें तो आप इस मैप पर देख रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ का नक्शा आपको दिख रहा होगा, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, और ये दिख रहे हैं कुछ राज्यों की नाम। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है केरला, दूसरा है पुदुचेरी। केरला पर सेक्स रेशियो आपको 1084 देखने को मिलेगा, और वहीं पुदुचेरी पर ये सेक्स रेशियो आपको 1037 देखने को मिलेगा। तमिलनाडु पर 996, आंध्र प्रदेश पर 993 और छत्तीसगढ़ पर 991, और इस आधार पर छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर आपको देखने को मिल रहा है, और 6वें स्थान पर आपको मेघालय देखने को मिलेगा जो कि 989 आपको संख्या दिख रही है सेक्स रेशियो की। तो इस तरीके से आप मैप के पॉइंट में भी याद रख सकते हैं कि
छत्तीसगढ़ पांचवा स्थान तो बनाता है सेक्स रेशियो पर, लेकिन बाकी के राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ के ऊपर के जो राज्य हैं रैंक के आधार पर वो कौन से हो सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर हम नज़र डालते हैं, लेकिन उसके पहले इस सेक्स रेशियो पर आधारित प्रश्न पर चर्चा तो हमने की नहीं है, तो प्रश्नों पर भी बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन का एक अलग ट्रेंड, ये मैच द फॉलोइंग वाला, निम्न का मिलान करें सुमेलित कीजिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके सामने एक सेक्शन बना हुआ है जहां पर छत्तीसगढ़ में सकल लिंगानुपात, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात और शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात दिया हुआ है, और लिंगानुपात की संख्या आपको दूसरे कॉलम पर देखने को मिल रहा है। कॉलम सबसे पहला जो पॉइंट है वहां पर आपको 1001 देखने को मिलेगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में सकल लिंगानुपात हमको पता है कि 2 यहाँ पर उसका बनेगा 991, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि ए का यहाँ पर 2 हमको देखने को मिल गया ऑप्शन ए पर, और ऑप्शन डी पर भी ए का 2 देखने को मिल गया। तो बी और सी को आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, अब आपका सही उत्तर या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है। तो मैंने आपको एक जानकारी दी, वो क्या कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, युवा पुरुष लोग, तो जाहिर सी बात है कि इस कारण से जो लिंगानुपात होगा ग्रामीण क्षेत्र पर वो हमें काफ़ी अच्छी स्थिति पर दिखेगा। तो बी का आ गया 1, तो इस हिसाब से बी का 1 हमको देखने को मिलता है ऑप्शन ए पर, और इसी के साथ सही आंसर हमको मिल जाता है ऑप्शन ए, ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो इस तरीके से लिंगानुपात पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग के रूप में। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, आर्थिक सर्वेक्षण पर जो दिया गया है, और ये दिया गया है साक्षरता दर पर। तो साक्षरता दर पर जाने से पहले सबसे हम इस इमेज पर नज़र डाल लेते हैं, और ये है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर पर दिया हुआ कुछ इमेज। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर आपको इस ग्रीन मार्क वाले इस बिल्डिंग पर दिख रही होगी कि 70.28% है, तो इसे देखते ही आप तुरंत पहुंच जाएंगे कि सर यहाँ पर तो कहीं पर भी ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है 70.28, तो मतलब कि ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। चलो दावा आपत्ति करेंगे अगर पीएससी कुछ भी आंसर लेता है तो ये अगला पॉइंट मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि हमें जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से सबसे उपयुक्त और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होता है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन होगा वो हमारा सही उत्तर बनेगा। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बेहतर आपको यहाँ पर या सबसे समीप कौन दिख रहा है 70.28 के, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि 70.3 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बाकी सारे दूर हैं। अब यहाँ पर अगर आप कुल साक्षरता दर पर बात करें लिटरेसी रेट की, तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं और पुरुष की साक्षरता दर की बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। महिलाओं की साक्षरता दर आपको इस रेड वाले पार्ट पर दिख रहा होगा जो कि 60.24 है, और पुरुषों वाली जो साक्षरता दर है वो आपको इस पॉइंट पर दिखेगा जो कि 80.27 है। तो महिला और पुरुष की साक्षरता दर भी पूछी जा सकती है। देखिए महिला और पुरुष की साक्षरता दर याद करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जो परसेंटेज है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इनइक्वलिटी या फिर विषमता को दर्शाता है शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के, और ये किसी भी देश या राज्य के सामाजिक परिदृश्य को देखने का बहुत ही बेहतर संकेतक। आप समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य में जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को लेकर किस तरीके के पैमाने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब शिशु मृत्यु दर, अर्थात अब स्वास्थ्य की कहानी शुरू होती है। क्या होता है शिशु मृत्यु दर? तो शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मृत शिशुओं की संख्या है। तो अर्थात 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उन 1000 बच्चों में से साल भर के कम समय में जितने बच्चों की मृत्यु हो जाएगी उसे शिशु मृत्यु दर कहेंगे, उनकी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहेंगे। और छत्तीसगढ़ में ये क्या स्थिति दर्शाई जा रही है शिशु मृत्यु दर की? तो अगर आप वर्ष देखें तो 2000 में यह 77 था प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर, और 2017 में ये बदल कर हो गया 38, अर्थात स्थिति थोड़ी सुधरी है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक सर्वे के इस आंकड़े पर नज़र डाल रहे हैं तो अगली जो पॉइंट आपके दिमाग में मुझे डालना चाहता हूं वो ये है
कि करंट टॉपिक को भी आप पढ़ते रहें, करंट फैक्ट भी आप याद रखते चले। और करंट फैक्ट क्योंकि न्यूज़पेपर में एक आ चुका है और वो ये है कि SRS 2018 की 8 मई 2020 को जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पर शिशु मृत्यु दर की जो आपको संख्या दिखेगी वो दिखेगी 41। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बताओ, तो आपको आंख मूंद कर 38 पर क्लिक करना है। और अगर आपसे आर्थिक सर्वेक्षण का आधार ना ले तो आप इस SRS रिपोर्ट की आधार को मान सकते हैं और इस SRS रिपोर्ट को ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर देखा जाएगा PSC के द्वारा। तो 41 यहाँ पर संख्या आपको देखने को मिल रहा है शिशु मृत्यु दर पर छत्तीसगढ़ में। प्रश्न पर आते हैं इससे संबंधित। प्रश्न क्या है कि राज्य में शिशु दर, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है लेकिन आप समझ जाएंगे, राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 77 प्रति हजार थी, ठीक है। वर्ष 2017 की स्थिति में शिशु मृत्यु दर 38 प्रति हजार थी, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, कि एक और दो दोनों सही हैं, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए 2 सेकंड का टाइम आप लीजिए और सही ऑप्शन टिक कर दीजिए। चल, समय सीमा समाप्त और सही ऑप्शन दिखता है एक और दो, दोनों सही, क्योंकि हमने देखा कि 2017 में 38 और 2000 में हमको ये 77 प्रति हज़ार देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम आते हैं अगले भाग पर और अगला भाग है मातृ मृत्यु दर या फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पर। क्या होता है मातृत्व मृत्यु दर? तो प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर या फिर MMR कहते हैं। तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर पर प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चे थे और यहाँ पर 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म की बात की जा रही है। तो 1000 और 1 लाख से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत और छत्तीसगढ़ के तुलनात्मक आपको ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 2001 और 2003 में भारत में जो ये MMR की जो संख्या थी वो 301 थी, तो छत्तीसगढ़ में 379 थी। और SRS रिपोर्ट 2017 में भारत में जबकि ये 122 था, तो हमें ये 141 देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो आप इसे किस तरीके से याद रखेंगे? तो आप छत्तीसगढ़ का बस अगर याद रख पाएँ तो भी काफ़ी बेहतर होगा, बाकी अगर आप तुलनात्मक रूप से भी याद रखें तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि प्रश्न इससे कुछ दोनों के मिले जुले असर पर आ सकते हैं। एक और अन्य जानकारी भी आप ध्यान में रखिएगा कि SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर छत्तीसगढ़ में कितना कम करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो मातृत्व मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप देख रहे होंगे कि 141 है। आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे कि SDG गोल क्या होता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, और बिल्कुल बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे वीडियो फिर नहीं आएगा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पर। मैंने आपको कहा कि भारत और छत्तीसगढ़ का दोनों ही आप याद रखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और छत्तीसगढ़ दोनों पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है 2001-03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 और राज्य में 379 थे। अब ये कथन सही है कि गलत है, इस पर नज़र डालने से पहले दूसरे कथन पर नज़र डाल लेते हैं। पहले 2017 की स्थिति में भारत में 122 और छत्तीसगढ़ में 141 प्रति लाख हो गई है। अब चाहता क्या है ये प्रश्न हमसे? तो कूट केवल एक सही, कूट दो, या फिर जो ऑप्शन बी है केवल दो सही, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही, या ऑप्शन डी की इनमें से कोई नहीं सही। तो क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही है, और सही ऑप्शन हमें मिलता है ऑप्शन सी, और एक और दो दोनों सही। चलिए अब हम आते हैं अगले स्लाइड पर और अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगले टॉपिक पर अगर हम नज़र डालें तो ये स्वास्थ्य संबंधित ही है। तो अस्पताल प्रसव और संस्थागत प्रसव पर आधारित है। देखिए, संस्थागत प्रसव और अस्पताल प्रसव के आंकड़े इसलिए जानकारी में रखने चाहिए क्योंकि इनकी जो संख्या होती है वो उस राज्य के उस क्षेत्र के मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के अच्छे सूचक को दर्शाती है।
तो अगर आप इस अच्छे सूचक को जांचना चाहते हैं भारत में और छत्तीसगढ़ में, तो आप छत्तीसगढ़ का पहले देख लें कि 2005-06 में जो अस्पताल में प्रसव होने के प्रतिशत थे वो 6.9% मात्र थे। और ये किसके आधार पर है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 3 अर्थात 2005-06 में जो जारी हुआ था वो NFS 3 था। और जब 10 साल बाद 2015-16 को जब NFHS 4 यहाँ पर जारी हुआ, तब ये बहुत ही अच्छा हमें रिपोर्ट देखने को मिला और वो है 55.9%। अर्थात जितने भी प्रसव राज्य में हो रहे हैं उसमें से 55.9% प्रसव अस्पताल में हो रहे हैं। अब संस्थागत प्रसव पर अगर हम बात करें तो 2005-06 पर 14.3 था और 15-16 पर ये 70.2 था। देखिए संस्था सारे अस्पताल में जो प्रसव होते हैं वो संस्थागत प्रसव के अंदर आते हैं और कुछ और भी क्षेत्र होते हैं जिसे संस्थागत प्रसव कह दिया जाता है। अर्थात कई बार घर में ही प्रसव होते हैं लेकिन सरकारी या फिर आशा बहन या आशा दीदी लोगों के जानकारी पर या फिर उनकी सहायता से प्रसव कराया जाता है, तो उसे भी संस्थागत प्रसव की श्रेणी में रखा जाता है। तो 70.2 आप कहेंगे संस्थागत प्रसव और अस्पताल में प्रसव आपको दिखेगा 55.9 या फिर 56%। तो स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के बाद अब हम अन्य जानकारी पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फॉरेस्ट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिसके माध्यम से आप एक स्थायित्व जीवन चूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका एकाग्रचित होकर अध्ययन करना। सबसे पहले तो आप सिलेबस पर नज़र डालें, लगे तो 1 या 2 दिन सिर्फ सिलेबस को ही काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ें। दूसरा स्टेप जब आप लें तो दूसरा स्टेप होना चाहिए क्वेश्चन पेपर। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं CF के उसके क्वेश्चन पेपर आप इकट्ठा करें और क्वेश्चन पेपर को आप 2 दिन और देखें। उसके बाद आप ये एनालिसिस कीजिए कि सिलेबस पर जो भी चीज़ दिए गए हैं उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद आप एक सही सोर्स पकड़कर आप अपनी तैयारी कर लें। और इस तरीके से आप अपने आप को एकदम फोकस्ड वे पर अगर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा समय है आपके पास, अच्छी अवधि भी है तैयारी की और आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तैयारी पर कि आप बैलेंस बनाकर चलें। ऐसा ना हो कि आप 12 से 14 घंटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ें और फिर उसके बाद 10 दिन आप इसकी थकान मिटाने पर लगा दें। ऐसी पढ़ाई से बेहतर है कि आप रोज़ 5 से 6 घंटे क्वालिटी स्टडी करें, लेकिन ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं अगर उसमें कंसिस्टेंसी होगी तो, निरंतरता होगी तो आप निरंतरता बनाए रखेंगे अपनी तैयारी पर तो लक्ष्य मिलने पर भी निरंतरता बनी रहेगी। तो चलिए इस पर वापस लौट कर आते हैं और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी समाप्त करने के बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के GSDP या फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। GSDP अर्थात मौद्रिक मूल्य किसका, वस्तु और सेवाओं का, कहां पर इसका उत्पादन होना चाहिए तो छत्तीसगढ़ राज्य पर, कब होना चाहिए तो एक निश्चित समय अवधि पर। तो अगर ये निश्चित समय अवधि 2019-20 की हुई तो आप ये कह सकते हैं कि 2019-20 पर छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके मौद्रिक मूल्य को छत्तीसगढ़ राज्य की GSDP कहेंगे या फिर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। इसके बारे में क्या जानना है, इसके बारे में सबसे पहले तो कांस्टेंट प्राइस पर कुछ जानकारी देख लेते हैं। स्थिर भाव पर मन में अगर सवाल आता है कि ये स्थिर भाव क्या होता है तो उसे यहाँ पर डिस्कस कर पाना थोड़ा सा जटिल होगा क्योंकि ये टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। तो मेरा आप लोगों को सुझाव है कि आप कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट पर जाकर मोबाइल कोर्स पर इसे समझ सकते हैं कि कांस्टेंट प्राइस का अर्थ क्या होता है, करंट प्राइस का अर्थ क्या होता है, या फिर हिंदी में कहें तो स्थिर भाव और प्रचलित भाव में क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम कुछ जो जानकारी दी गई है उस जानकारी पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जानकारी GSDP से संबंधित वर्ष 2012 से लेकर 2020 तक दी गई है।
2012-13 पर जो राज्य की GSDP की प्रतिशत है वो 5% है, और 13-14 पर ये प्रतिशत आपको 10% दिखेगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है सर्वाधिक, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की GSDP की सर्वाधिक वृद्धि दर हमें किस वर्ष को देखने को मिली थी, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पर वर्ष दे दिए गए रहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2013-14 पर 10% की वृद्धि दर हमें देखने को मिली थी, और ये सर्वाधिक वृद्धि है 2012 से लेकर 2019-20 की अवधि में। फिर उसके बाद 2014-15 की बात करें तो 1.77%, और ये न्यूनतम आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार की विसंगति है कि 2013-14 पर मैक्सिमम और 2014-15 पर हमें मिनिमम ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 इनके बारे में नहीं भी याद रखोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 19-20 का याद रखना है, और वो है 5.32%। और 12-13 से लेकर 19-20 तक का जो एवरेज ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा वो 5.58 देखने को मिलेगा। तो याद क्या करना है आपको, याद करना है सर्वाधिक वाला प्रतिशत और वो वर्ष, न्यूनतम वाला वृद्धि दर और वो वर्ष, 18-19 का नहीं याद करना है, 19-20 का याद करना है, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट बनाएगा, और ये आपको 5.32% दिखेगा। और फिर उसके बाद याद करना है एवरेज ग्रोथ रेट। कई बार आपको 19-20 और एवरेज ग्रोथ रेट पर कंफ्यूज कर देता है। प्रश्न भी देख लेते हैं इससे संबंधित। प्रश्न कहता है, स्थिर भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012-13 से लेकर 2019-20 में वृद्धि दर की प्रवृत्ति रही है। अब ये प्रश्न का एक अलग मॉडल, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा है कि लगातार बढ़ने की, लगातार घटने की, पहले बढ़ते फिर घटने की, और उसके बाद दिखेगा उतार चढ़ाव की। अब इसका क्या मतलब है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब हम 2012 से लेकर 2019-20 तक का ये वृद्धि दर देखते हैं, तो क्या हमें ये वृद्धि दर हमेशा बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर हमेशा लगातार घटता हुआ दिख रहा है, या फिर पहले बढ़ा है फिर घटने लगा है, या फिर उतार चढ़ाव का है। तो देखिए, पहले अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो लगातार बढ़ने की स्थिति तो हमको नहीं दिखती, क्योंकि 12-13 पर 5 है, फिर 13-14 पर 10 है, और 14-15 पर गिर गया। तो दूसरे ऑप्शन पर चलें लगातार घटने की, तो लगातार घटा भी नहीं है, क्योंकि आप यहां पर 10 के बाद 1.77 अगर गिरा है, तो फिर उसके बाद उठा है 2.69, और फिर उठा है यहां पर 7.95, तो लगातार घटने की भी नहीं है। पहले बढ़ने की फिर घटने की, तो ये भी आपको स्थिति नहीं दिखेगी। तो सही ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है, उतार चढ़ाव की, कि घटा है बढ़ा है, लेकिन कोई एक सीरीज़ या फिर एक कोई ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिला है, और सही ऑप्शन हमको मिल जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है इस GSDP का क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि। देखिए, जब आप वस्तु और सेवाओं को समझ गए, तो वस्तु और सेवाओं के सप्लाई साइड से अगर आप देखें तो 3 वर्गों पर इसे विभाजित किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो सारे प्रश्न इस इमेज के माध्यम से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ब्लू वाली लाइन है, वो ब्लू वाली लाइन कृषि क्षेत्र के लाइन है। जो उद्योग क्षेत्र है उसमें आप ऑरेंज लाइन को देख रहे होंगे, ये ऑरेंज भी आप कह सकते हैं, रेड भी कह सकते हैं, खैर कलर पर उतना ज़्यादा स्पेसिफिक मैं नहीं हूँ, तो आप इसे समझ लें कि ये ऑरेंज कलर है। ग्रीन कलर पर अगर आप जाएं तो सेवा क्षेत्र को ये दर्शा रहा है। यहाँ पर आपको उसके प्रतिशत वृद्धि दर देखने को मिलेगी वाई एक्सिस पर, और आपको इस साइड पर या एक्स एक्सिस पर आपको वर्ष देखने को मिलेगा, जो कि 2014-15 से लेकर 2019-20 तक आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब इन सारे चीज़ों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र पर बात करते हैं, और कृषि क्षेत्र पर हम वो सारी जानकारी जो वहाँ पर आपको लाइन ग्राफ पर देखने को मिली थी उसे हमने टेबुलर फॉर्म पर यहाँ पर रख दिया, और टेबुलर फॉर्म पर हम ये देख रहे हैं कि 2014-15 पर वृद्धि दर कितनी थी। अब यहाँ पर भी आपको याद क्या करना है कि सर्वाधिक वाला प्रतिशत वृद्धि दर और वो किस वर्ष हुआ था, और वो आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्ष 2016-17। न्यूनतम वाला वृद्धि दर आप देख रहे हैं -9.51, और ये आपको दिखेगा 2017-18 में।
और औसत वृद्धि आपको देखेगी 4.99% और 2019-20 पर कृषि क्षेत्र पर वृद्धि दर आपको 3.31% दिख रही है। तो इस तरीके से आप सर्वाधिक न्यूनतम याद रखेंगे, करंट वाला याद रखेंगे और एवरेज याद रखेंगे। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक औसत वृद्धि प्रतिशत दर्ज की गई है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो हम सबसे पहले ऑप्शन पर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है 4.99%, दूसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है 5.42% और तीसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है 6.52 और डी दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अब उस टेबल को एक बार फिर से हम देख लेते हैं और टेबल हम देखेंगे कि एवरेज ग्रोथ रेट हमें दिख रहा है 4.99%, तो सही ऑप्शन के तौर पर हमें ऑप्शन ए दिखता है और सही ऑप्शन ए 4.99%। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसी पर आधारित अगर और भी प्रश्न पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा। तो ये प्रश्न है कि राज्य में निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है वर्ष 2015-16, ऑप्शन बी 2018-19, ऑप्शन सी 2014-15 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको तीन वर्ष दिए हैं और चौथा जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट। अब अगर बात करें इस टेबल की तो हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट दो समय देखने को मिलता है, 2015-16 पर और 2017-18 पर। तो इस प्रश्न पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अर्थात इनमें से जितने साल इसमें दिए गए हैं उनमें से नेगेटिव ग्रोथ रेट किस ईयर हुआ था। तो हमें यहाँ पर 2017-18 ऑप्शन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में हमें दिख रहा है 2015-16 जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा और सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब हम इसके बाद कृषि क्षेत्र समाप्त करने के बाद हम दूसरे भाग पर पहुँचते हैं और दूसरा भाग है उद्योग क्षेत्र पर आधारित। तो उद्योग क्षेत्र का ये जो चार्ट है आप देख रहे होंगे, उद्योग क्षेत्र पर 2014-15 पर ये जो ग्रोथ रेट है, फिर 2015-16, 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 टेबल के फॉर्म पर आप देख रहे होंगे कि 2014-15 पर ये -1.55% है, 2015-16 पर ये 1.94% आपको देखने को मिलेगा और 2014-15 ये आपको न्यूनतम वृद्धि दर दिखेगा अगर 14-15 की स्थिति से लेकर 2019-20 की स्थिति तक आप देख रहे हैं। तो 2016-17 पर ये 5.919% है और वहीं 2017-18 पर आपको देखने को मिलेगा 7.52%, जो कि सर्वाधिक वृद्धि दर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद 2018-19 पर पहुंचेंगे तो 5.32% दिखेगा और 19-20 पर ये 4.9% है, लेकिन औसत वृद्धि दर 5.42 है। तो याद क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, न्यूनतम सर्वाधिक वृद्धि दर और वो साल और औसत वृद्धि दर कितनी है और एवरेज, अर्थात आपको चार आंकड़े याद रखने हैं 2014-15 के, फिर आपको याद रखने हैं 2017-18 के, फिर याद रखने हैं आपको 19-20 के और उसके बाद आपको याद रखने हैं एवरेज ग्रोथ रेट। अब वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.2% थी, वो वर्ष 2019-20 में, खैर इसके बारे में जानकारी हम आगे और देखेंगे ही, तो इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे हम देखते हैं सेवा क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र पर बात ये हो रही है कि सेवा क्षेत्र ये कह रहा है कि इसकी जो भागीदारी है GSDP में वो लगातार बढ़ते जाएगी। देखिए, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पर जब आप नज़र डालें तो किसी भी क्षेत्र में जब ग्रोथ या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर जब ग्रोथ होता है तो सबसे पहले विकसित होता है प्राथमिक क्षेत्र, या फिर आसान भाषा में आप कह सकते हैं कृषि क्षेत्र। उसके बाद जो ग्रोथ हम देखते हैं वो उद्योग क्षेत्र पर, और उद्योग क्षेत्र के बाद आता है सेवा क्षेत्र पर। आसानी भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब तक आप लौह अयस्क अच्छे से निकालने नहीं लग जाएंगे, उसे विकसित नहीं कर लेंगे, तब तक आप काफ़ी अच्छे से अपने इंडस्ट्री में मशीन बना नहीं पाएंगे, और अगर अच्छे उत्पाद आप बना नहीं पाएंगे तो आप उसे अच्छे से बेच नहीं पाएंगे। तो ये लौह अयस्क का निकालना प्राथमिक क्षेत्र हुआ, ये मशीन बनाना हो गया इंडस्ट्री में,
उसके लॉयर्स के इस्तेमाल से ये हो गया आपका उद्योग क्षेत्र, और फिर उसे बेचना ये हो गया सेवा क्षेत्र, और ये सारी चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अर्थात सेवा क्षेत्र डिपेंडेंट हो जाती है उद्योग क्षेत्र पर, और उद्योग क्षेत्र डिपेंडेंट हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र पर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है, मतलब कि हमारी जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के जो लेवल है वो तीसरे लेवल पर हम धीरे से पहुंच रहे हैं। अब इसके साथ ही संचार के क्षेत्र, लोक प्रशासन, भंडारण एवं यातायात के क्षेत्र में तेज वृद्धि हो रही है, और ये है उसका इमेज सेवा क्षेत्र का। आप देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म पर आपको ये मिल जाएगा, जो भी आप यहाँ पर लाइन में देख रहे हैं। और टेबल फॉर्म पर आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका ग्रीन वाला जो लाइन हो गया वो सेवा क्षेत्र के आंकड़े दर्शा रहा है। 2014-15 पर प्रतिशत वृद्धि 3.50% थी, और 19-20 पर आपको 6.62% देखने को मिलती है, और औसत वृद्धि आपको देखने को मिलती है 6.52% पर। तो इस प्रकार से आपके ये वाले भाग भी समाप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, और क्षेत्रवार भागीदारी हम समझते हैं कि होता क्या है। देखिए वृद्धि दर पर अभी तक आपने बात कर ली, अब प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र की GSDP पर भागीदारी कितनी है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का GSDP में कुल भाग दिखेगा 16.81%, वहीं उद्योग क्षेत्र का दिखेगा 46.19% और सेवा क्षेत्र का दिखेगा 37%। देखिए सबसे कम आपको दिखेगा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर, फिर दिखेगा सेवा क्षेत्र पर, और उसके बाद दिखेगा उद्योग क्षेत्र पर। लेकिन जब भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये स्थिति थोड़ी सी अलग दिखती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में उद्योग क्षेत्र से ज़्यादा भागीदारी सेवा क्षेत्र का हमें देखने को मिलता है। तो इसे आप इस लाइन चार्ट पर भी देख रहे होंगे कि 46.19% हमको देखने को मिल रहा है उद्योग का, सेवा का दिख रहा है 37%, और वहीं कृषि क्षेत्र का हमको देखने को मिल रहा है 16.81%। देखिए ये एक प्रकार की विसंगति भी दिखाती है। भारत देश में या फिर छत्तीसगढ़ में भी अगर आप कहें तो कृषि क्षेत्र मात्र आपको 16.81% भागीदारी दिख रहा है GSDP पर, लेकिन अगर आप जनसंख्या की भागीदारी देखें तो लगभग 50-60% जनसंख्या वो कृषि क्षेत्र पर आश्रित होती है। तो इसका ये अर्थ है कि जितने भी यहाँ पर मनी वैल्यू बने हैं 50-60, अगर मान लीजिए GSDP 100 रुपये है और 100 लोगों की संख्या इस राज्य की जनसंख्या है, तो इसका ये अर्थ है कि 60% लोग या 60 लोग इस 100 रुपये की GSDP में मात्र 16.81 की भागीदारी दे रहे हैं। अर्थात 60 लोगों पर जो यहाँ पर कमाई हो रही है, 60 लोगों की जो कमाई हो रही है जो कृषि क्षेत्र पर आधारित है, वो मात्र 16 रुपये या फिर 17 रुपये के आसपास हो रही है। तो ये इस प्रकार की जो विसंगति है वो कृषि क्षेत्र के अल्प विकसित होने की यहाँ पर जानकारी हमारे सामने रख रही है। चलिए इसके अलावा अगर इस ट्रैक पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक अलग ही ट्रैक पर हम चले जाएंगे कृषि क्षेत्र पर आधारित, बट हमें अपने आप को बांध कर रखना है आर्थिक सर्वेक्षण के इस पहले चैप्टर के वीडियो पर और इसके सार और क्वेश्चन पर। चलिए अब हम आते हैं अगले जानकारी पर, और वह है प्रश्न पर आधारित उद्योग क्षेत्र पर, और ये आपको ऑप्शन है कि 19-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में 37 और 46.19 दिख रहा है। देखिए 37% किसका था, तो सेवा क्षेत्र का था। 46.19 किसका है, वह उद्योग क्षेत्र का है, जो कि आपको इस इमेज पर देखने को मिल जाएगा, और इस हिसाब से सही उत्तर आप खोज निकाले होंगे अभी तक, और वो सही उत्तर है ऑप्शन ए 46.19%। चलिए आगे बढ़ते हैं, और GSDP की जानकारी के बाद अब हम बाहर निकलते हैं और कुछ अन्य जानकारी हमारे सामने आती है। कृषि क्षेत्र पर ही आधारित है ये, और ये धान खरीदी से संबंधित है। देखिए ये सारे जो आंकड़े हैं, इन सारे आंकड़ों के बारे में आपको चैप्टर 7 में भी देखने को मिलेगा, और वहाँ पर भी हम इसे काफ़ी विस्तृत तौर पर चर्चा में रखेंगे। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 बाकी सारे चैप्टर का इंट्रोडक्टरी फॉर्म हमारे सामने लेकर आता है, एक ओवरव्यू लेकर आता है, तो मात्र ओवरव्यू वाले यहाँ पर फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे को ऐसे ही पढ़ना है, हर एक फैक्ट को नहीं पढ़ लेना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। लगभग 400 पेज की किताब है, हर एक फैक्ट को याद कर पाना ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है।
हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट को याद करना है, हमें पहचानना है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें पहचानना है कि ये वाला आंकड़ा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई हमसे इसे प्रश्न के रूप पर हमसे पूछेगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम उस आंकड़े को पहचाने कि इसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है, और अगर उस फैक्ट को हम पहचान ले तो उसे याद कर ले और वही पूछा जाएगा। कोई भी बेतुका सा सवाल नहीं पूछा जाता इकोनॉमिक सर्वे से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी हो जाती है वो ये हो जाती है कि इकोनॉमिक सर्वे के कौन से वाले फैक्ट को पढ़ें और कौन से वाले फैक्ट को छोड़ दें। और ये मैंने प्रयास किया है कि अपने अनुभव और अपनी जानकारी और अपने ज्ञान के आधार पर आपको वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट लाकर रख दूं जिसे आप पढ़कर अपनी तैयारी कर लें और आपकी सफलता पर मेरी भी कुछ भागीदारी यहाँ पर बन जाए। अब इतना मेहनत जब मैं यहाँ पर करता जाऊँगा तो इस वीडियो पर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी सारी चीज़ें होती हैं लोगों तक पहुँचाने के, वो आप करके आप मेरी सफलता पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लीजिए। तो ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल बेनिफिशियल काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि धान खरीदी पर वर्ष खरीफ वर्ष 2018-19 पर अगर आप नज़र डालें तो किसानों की संख्या 15.71 लाख थी, मतलब जिनसे धान ये खरीदा गया था। धान की मात्रा कितनी थी तो 80.38 लाख टन, और समर्थन मूल्य जो दिया गया था इस धान खरीदी पर वो आपको देखने को मिलेगा 20,095.08 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आप किसानों की संख्या याद रखिए, धान की मात्रा पर आधारित प्रश्न पूछा गया है एक बार, तो ये सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं इन सारे आंकड़ों पर आधारित भी। मक्का खरीदी पर अगर आप बात करें तो मक्का की मात्रा 3,413 क्विंटल और भुगतान राशि जो की गई वो 58 लाख रुपए की गई मक्का की राशि पर। चलिए अब हम इस इमेज को देखते हैं, और ये इमेज क्या है, तो इमेज आपको देख रहा होगा शासकीय उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, जहां पर लोग जाकर अनाज खरीदते हैं या फिर उन्हें PDS के माध्यम से अनाज मुहैया कराया जाता है। अब इस इमेज को मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इस पर आधारित कुछ जानकारी हमारे सामने यहाँ पर आती है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र पर कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं या फिर कितने ऐसे आउटलेट हैं जिसमें PDS के माध्यम से हम लोगों तक अनाज पहुँचा सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र पर आपको ये 1261 उचित मूल्य की दुकानें दिखेगी, और वही ग्रामीण क्षेत्र पर आप देखें तो 11,045 आपको देखने को मिलेगा, और कुल यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान बन जाती है 12,306। अब मन में सवाल आता है क्या इससे प्रश्न पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, क्रमशः करके कुछ इस तरीके के ऑप्शन आएंगे कि ऑप्शन ए कि 1261 तथा 11,045, तो आप यहां पर जो प्रश्न है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र और आपके शहरी क्षेत्र में क्रमशः कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं। तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन 11,045 और 1261। ऑप्शन सी पर अगर आप जाएंगे तो 1,851 और 12,045, और ऑप्शन डी जाएंगे तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये दोनों ऑप्शन आपको क्या लग रहा होगा, सही लग रहा होगा इस टेबल के माध्यम से, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रमशः पूछा गया है, तो क्रमशः पर पहले आपसे पूछा गया है शहरी और उसके बाद पूछा गया है ग्रामीण, तो इन दोनों ऑप्शन में से जो उपयुक्त ऑप्शन सही ऑप्शन बन जाता है वो ऑप्शन ए बन जाता है, 1261 और तथा 11,045 उचित मूल्य की दुकानें, और ये दोनों जोड़ने के बाद जो कुल संख्या बन जाती है वो बन जाती है 12,306। चलिए अब हम आते हैं अगली जानकारी पर, और अगली जानकारी आधारित है राजकोषीय नीति पर। राजकोषीय नीति के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उस टाइम पर करंट वाला बजट भी पढ़ेंगे। राजकोषीय नीति क्या होती है, तो सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति है कि कितना आय आ रहा है कितना व्यय जा रहा है, और सरकार इस नीति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, अर्थात लोगों को सड़क के साथ साथ में खाना भी मुहैया कराएगी, अर्थात सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति कराएगी, समाज में विषमताओं को कम करेगी, इनइक्वालिटी कम करेगी, और बहुत सारे ऐसे कार्य करेगी जो उत्तरदायित्व तो सरकार को सौंपे गए हैं भारत देश के संविधान के द्वारा। अब इस राजकोषीय नीति पर क्या क्या जानकारी है, तो कुल राजस्व प्राप्तियाँ, तो जैसा मैंने कहा आपको कि आय और व्यय से संबंधित नीति होती है तो प्राप्तियों पर पहले बात कर लें। ये सारे चीज़ों के बारे में डिटेल पर डिस्कशन होगा एक बार फिर से चैप्टर 5 को जब हम डिस्कस करेंगे तब।
अब यहाँ पर कुल राजस्व प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 का कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कुल राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 79,746 करोड़ रुपीज़ अनुमानित है 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति। देखिए, सरकार की दो प्रकार की प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। दोनों का अंतर कमेंट सेक्शन पर जाएंगे, लिख कर बताएंगे, मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी सुख की अनुभूति होगी। तो ये आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में अंतर। तो कुल राजस्व प्राप्ति आप देख लिए और प्रतिशत वृद्धि आपको दिख रहा है 7.72%, अर्थात पिछले साल से इस साल अर्थात 18-19 का जो वित्तीय वर्ष था उसकी तुलना पर 2019-20 का जो वर्ष है उसमें 7.72% का ग्रोथ दिखेगा, उसके बाद ये मनी वैल्यू बनेगी। अब कुल राजस्व प्राप्ति के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है कर राजस्व या फिर टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू अगर आप देखें तो वित्तीय वर्ष में अनुमानित वृद्धि है 9.55%, अर्थात 2019-20 में जो आपको ये ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा वो दिखेगा 9.55%। लेकिन पिछले वर्ष 2017-18 से लेकर 18-19 में जो ग्रोथ रेट था वो था 14.81%। और कर राजस्व कितना प्राप्त हुआ है तो वो है 63.76% का यहाँ पर, सॉरी ये प्राप्त हुआ वाला फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट है कि टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट है या राजस्व प्राप्ति है उसमें से कर राजस्व कितना हिस्सा बनाता है तो वो है 63.76%। कर राजस्व के बाद अगला हिस्सा जो आता है राजस्व प्राप्ति का वो है गैर कर राजस्व। और गैर कर राजस्व की जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी कि गैर कर राजस्व में आपको यहाँ पर 28,899 करोड़ रुपए की राशि दिखती है और केंद्रीय सरकार से जो प्राप्त अनुदान है वो 20,000 है। तो इस हिसाब से आप समझ रहे होंगे इस वाले पॉइंट को कि गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। टोटल 28,899 करोड़ रुपीज़ जो यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें से 20,000 जो राशि है वो सरकार से अनुदान जो प्राप्त हुए हैं उसकी राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजस्व अधिक के बारे में जानते हैं। राजस्व अधिक आप समझ सकते हैं कि जो राजस्व वाला भाग होगा, राजस्व खाता होगा, तो राजस्व प्राप्ति कितना ज़्यादा है राजस्व वैसे। और ये बहुत ही अच्छी बात है छत्तीसगढ़ सरकार की कि हमारे देश पर राजस्व खाता में राजस्व अधिक की स्थिति दिखती है। अब ये भी मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि राजस्व अधिक को मैंने सरकार की एक अच्छी नीति क्यों कही, क्योंकि भारत देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो राजस्व घाटा की स्थिति दिखती है, अर्थात राजस्व प्राप्ति कम होता है और राजस्व व्यय ज़्यादा होता है। लेकिन अगर राजस्व अधिक मैंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा है तो, और ये कहा है कि ये काफ़ी अच्छी बात है, तो अच्छी बात क्यों है ये आप मुझे बताएंगे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। तो चलिए राजस्व अधिक की बात करें तो राजस्व अधिक आपको दिखता होगा कि राजस्व आय आपको 79,746 करोड़ है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा, और राजस्व व्यय हमें यहाँ पर 78,594.53 करोड़ रुपीज़ है। और जब हमने माइनस कर दिया तो हमें यहाँ पर 1,151.47 करोड़ रुपये ज़्यादा दिखता है प्राप्ति पर, अर्थात पूरा खर्चा राजस्व व्यय पर करने के बाद हमारे पास 1,151 करोड़ रुपए राशि शेष रह जाती है और इस राशि का इस्तेमाल हम करते हैं पूंजी निर्माण पर। चलिए अगर ज़्यादा मैंने इससे ज़्यादा अगर मैंने आपको बता दिया तो आप वो सवाल के जवाब तक खुद ही पहुंच जाएंगे कि राजस्व अधिक होना अच्छी बात क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कर राजस्व पर बात करें कि राजस्व प्राप्ति का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के हमने यहाँ पर मद देखे, कर राजस्व और गैर कर। तो सबसे पहले हम कर संग्रहण पर बात करते हैं और इस टेबल पर नज़र डालते हैं। एक तरफ आपको समय अवधि के कॉलम दिखेंगे और दूसरे तरफ आपको दिखेगा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर, जैसे कि वैट, केंद्रीय बिक्री कर अर्थात आप इसे सेंट्रल सेल्स टैक्स कह सकते हैं, प्रवेश कर अर्थात एंट्री टैक्स, स्थानीय कर आप इसे ऑक्ट्राई कह सकते हैं, मनोरंजन कर तो आप इसे कह सकते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, और SGST अर्थात स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
IGST अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST क्षतिपूर्ति या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कंपनसेशन जो केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं राज्यों को, और यहाँ पर आपको वो अवधि दिख रही है। तो क्या इन सबको ऐसे आंकड़ों को याद करना है? तो पागल हो जाएंगे अगर इनको याद करेंगे तो, और ना तो मैं और ना तो आप और ना तो आपके चाहने वाले आपके परिजन चाहेंगे कि आप पागल हों। तो आपको करना क्या है, आपको इन सारे टैक्सेस के मात्र इस रैंक को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कर संग्रहण SGST से होता है, दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर कंपनसेशन से मिलता है। ये रैंक यहाँ पर दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे 1, 2, 3 बोल रहे हैं, लेकिन ये इस टेबल पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले नंबर पर SGST संग्रहण से, दूसरा जो यहाँ पर दिख रहा है वो GST क्षतिपूर्ति, तीसरा हमें वेट से देखने को मिलेगा, चौथा हमें देखने को मिलेगा IGST से, पांचवा दिखेगा केंद्रीय विक्री कर से और छठवा दिखेगा प्रवेश कर से। तो अवरोही क्रम आप याद रखें, इन सारे आंकड़ों को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब अगले स्लाइड पर पहुंचते हैं, और अगला स्लाइड है छत्तीसगढ़ में बैंकिंग गतिविधि पर आधारित। तो यहाँ पर प्रश्न भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बैंकों की संख्या 47 और शाखाओं की संख्या 2811 अर्थात 2811, ATM कितने हैं तो 3221, कुल जमा राशि आपको यहां पर दिख रहा होगा 1,50,957 करोड़ रुपए, और प्राथमिक क्षेत्र पर 10.26। लेकिन क्या इससे प्रश्न पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं, लेकिन ये जो नीचे आपको पॉइंट दिख रहा है इससे तो प्रश्न एक बार पूछा गया है, और काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और प्रश्न जो आप पॉइंट दिख रहे हैं इसी पर आपको प्रश्न भी दिख जाएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई, तो ये ईयर और ये डेट भी पूछा गया है, दिनांक 29/5 और ये आपको पूछा गया है 2019 में। स्थिति में राज्य में 1,40,93,072 खाते हैं। प्रश्न आपसे ऐसा ही पूछा गया था कि मान लीजिए जो भी डेट था उस टाइम पर, अभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त को 2014 को आरंभ की गई थी और दिनांक 29 मई 2019 की स्थिति में राज्य में, सॉरी 29 मार्च लिखा हुआ है, एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लेंगे मेन इकोनॉमिक सर्वे पर जाकर कि मई है कि मार्च है, कि स्थिति में राज्य में कितने खाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको पहला दिखेगा 1,40,93,072, दूसरा दिखेगा 1,05,00,000, फिर ऐसे ही आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है इतनी चर्चा करने के बाद अब मैं आपसे अगर ये अपेक्षा करूं कि चलो इसका सही जवाब बताओ तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो आपको पता होगा कि पहला ऑप्शन ही इसका सही उत्तर है, 1,40,93,072 खाते खुल चुके हैं। ये मार्च और मई वाला एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, खुद भी थोड़ा सा कार्य करेंगे और मुझे बता देंगे कि सर ये क्या है, तो मज़ा आएगा मुझे भी और आपको भी। अब राज्य में कृषि उपज मंडियों की बात करें, मंडी जहां पर उत्पादों को बेचा जाता है कृषि आधारित, तो कृषि उपज मंडी है 69 और उप मंडियों की संख्या है 118। और पशुओं के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी 2019-20 की। तो चलिए इस पर अब एक और पॉइंट याद कर लेते हैं, इस पर जितना भी यहाँ पर ये पशु वाले क्षेत्र पर जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने लिख दिया है कि राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा पर जल क्षेत्र को मछली पालन के लिए यूज़ में लाना ये एक अच्छी उपलब्धि तो बेशक तौर पर हमें समझ में आती है। प्रश्न आपके सामने जो पूछा जा सकता है, देखिए मंडी है, यहाँ पर लोग खड़े हैं, ये अनाज से भरी हुई बोरियाँ हैं और खड़े और बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं और मास्क लगाए हुए रखे हैं अपने चेहरों पर, और ये इस इमेज के माध्यम से ये भी आप ध्यान में रखें कि आर्थिक गतिविधि नहीं रुकेगी, लेकिन आपको सावधानी बनाए रखना है अगर अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने देश समाज को सुरक्षित रखना है इस भीषण महामारी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। वर्तमान में राज्य में 59 कृषि उपज मंडी है एवं 118, धैर्य रखिएगा, पहले ही नहीं खुश हो जाइएगा कि 59 लिखा है मतलब गलत है, आगे भी पढ़िएगा और प्रश्न पूरा देखकर ही उत्तर तक पहुंचेंगे। कई बार ऐसे ही
आवश्यकता से अधिक जो उत्साह होती है या जो वीरता होती है वीरगति का कारण बन जाती है। तो इसे आप बचेंगे, ये अत्यधिक उत्सुकता आपकी कई बार आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अब दूसरी बात अगर आप करें तो दूसरे कथन पर, तो राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन का के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। कूट अगर आप देखें तो केवल एक और दो दोनों सही और इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बोलेंगे कि कथन एक गलत है तो ए और सी ख़त्म हो गया और सही उत्तर आ जाता है केवल बी, क्योंकि मैंने इतनी भूमिका बना दी थी कि जल क्षेत्र का ये 94.66% एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बहुत ही इररिलेवेंट फैक्ट है हमारे सामने, तो उसे हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, अनावश्यक वीडियो को इतना लंबा नहीं करते। नरवा कार्यक्रम, तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, घुरवा, गरुआ, बाड़ी, एला बचाना है संगवारी। तो अब संगवारी लोग, आप लोग इसे बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार इन्हें बचाने के लिए बिल्कुल कार्यरत है, बिल्कुल प्रयासरत है और उसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिलता है इस तरीके के फैक्ट पर। क्योंकि नरवा कार्यक्रम के माध्यम से, नरवा कार्यक्रम किस पर था, तो नहर या फिर नाला प्रबंधन या नाला बंधन वाले कार्य पर आधारित था। और कितने पूर्ण किए जा चुके हैं तो 680 कार्य, कितने कार्य प्रगति पर है तो 2852 और अप्रारंभ है, मतलब इतना करना है, तो 19,000 आपको यहाँ पर 56 दिखेगा। और वहीं गरुआ योजना के तहत आप देखेंगे तो कितने गौठानों को स्वीकृति दी गई है, तो 3,509 गौठान के यहाँ जहाँ पर गायों और या फिर पशुओं को बांधा जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, जिनमें से संचालित गौठान कितना है तो 1,661 और निर्माण कार्य प्रगति रत है वो है 309। अब प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, तो नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में कितना नाला प्रबंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये देखिए, जहाँ पर भी आप ये NGGB देखेंगे, अर्थात नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी से आधारित आप फैक्ट देखेंगे, तो याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि अभी मौजूदा सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मतलब पूरी की पूरी सरकार की कार्य अवधि का जो ट्रैक है, जो दिशा है, वो इन्हीं चार चिन्हारी के दिशा पर बढ़ रहा है। तो इस पर जितने भी फैक्ट हमको देखने को मिलेंगे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन 680, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है 2852, तीसरा दिख रहा है 19,056 और यहाँ पर दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूर्ण हो चुका वाला फैक्ट पूछ रहा है, कितना यहाँ पर अप्रारंभ है या कितना प्रगति पर है ये प्रश्न नहीं पूछा गया। तो पूर्ण होने वाला सही उत्तर दिख जाता है 680, ऑप्शन ए। चलिए अब हम आते हैं 31 मार्च 2018 की स्थिति में खनिज उत्पादन को लेकर क्या जानकारी है। तो ये आपके सामने खनिज उत्पादन और ये उसकी कुल मात्रा और लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, कोयला। तो खनिज उत्पादन की अगर आप बात करें तो लौह अयस्क आपको यहाँ पर 35,220 टन, चूना पत्थर 41,696 टन, बॉक्साइट 1,502 टन, डोलोमाइट 4,383 टन और कोयले की भी यहाँ पर फैक्ट आपको दिख रही है। तो खनिजों से राजस्व, देखिए लाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई है लेकिन वीडियो रुकेगा नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिखेगा, बट आपको जो ये काम की चीज़ है वो दिख रही होगी। खनिजों से राजस्व की बात करें तो मुख्य खनिज, गौण खनिज क्या होता है, कमेंट सेक्शन पर आपको पता है एड्रेस जहाँ पर ये जानकारी आपको बताना है कि मुख्य खनिज का मतलब क्या, गौण खनिज का मतलब क्या। वैसे ये सारी चीज़ों को जब वो चैप्टर पर या फिर खनिज वाले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे तो एक बार मैं बता ज़रूर दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे जवाब। और जिस बच्चे का जवाब काफ़ी अच्छा आएगा उसे काफ़ी अच्छे तरीके से और प्लेटफॉर्म मिलेगा और फोकस मिलेगा हमारे वीडियोस पर। और वो कैसे मिलेगा ये एक सरप्राइज़ है जो समय के साथ आपको पता चलेगा। तो चलिए मुख्य खनिज पर देखें, तो मुख्य खनिज से कितने करोड़ राशि का राजस्व हुआ है राज्य सरकार को, तो 4,925.95 करोड़। गौण खनिज की बात करें तो 300 करोड़ रुपए यहाँ पर प्राप्त हुआ है राजस्व खनिजों से। वर्ष 2017-18 में खनिजों से कुल राजस्व, अब आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको मिलेगा 4,911.41 करोड़। और वर्ष 2018-19 में खनिजों की कुल राजस्व आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अब समाप्त होने वाली ये चीज़ें, और दो कुछ और फैक्ट पर बात कर लें कि राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पादन कितना किया गया। तो ये तापीय, जलीय और अन्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन कुल आपको याद रखना है, और कुल याद रखने के साथ साथ इस फैक्ट को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुल यहाँ पर स्थापित क्षमता कितने मेगावाट उत्पादन की है। तो वह है 3224.70 मेगावाट की, जिसमें से ताप या फिर थर्मल जो पावर है वो आपको दिखेगा 3080 मेगावाट, जल विद्युत दिखेगा 138.7 मेगावाट, अन्य दिखेगा आपको 6 मेगावाट, और कुल दिखेगा आपको 3224 मेगावाट, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ये स्थापित क्षमता यहाँ पर हो चुकी, आपने देख लिया। अब इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। तो आपको ऑप्शन ए दिखेगा 3080.7 मेगावाट, बी दिखेगा 3224.70 मेगावाट, सी दिखेगा 3424.80 मेगावाट, और वहीं डी दिखेगा इनमें से कोई नहीं, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3224.70 मेगावाट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि राज्य में सुनियोजित विकास के लिए वर्तमान में अपनाई गई औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसकी अवधि क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 2020 से 2025 तक, दूसरा ऑप्शन है 2019 से 2024 तक, तीसरा ऑप्शन है 2018 से 2023 तक, और चौथा ऑप्शन है 2016 से 2021 तक। इसे जानने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सबसे मुख्य पृष्ठ ही हम देख लेते हैं, और मुख्य पृष्ठ आपको दिखेगा औद्योगिक नीति 2019-24 गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ समावेशी विकास आत्मनिर्भर एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर, इंक्लूसिव ग्रोथ सेल्फ रिलायंट और मैच्योर्ड इकोनॉमी की ओर जाना है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का मतलब ये होता है, और औद्योगिक नीति आपको दिख रही है 2019-24, तो सही ऑप्शन हो जाता है बेशक ऑप्शन बी, वर्ष 2019-24 तक का ये जो अवधि है वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर आधारित है। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वो आधारित है मनरेगा को लेकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत। तो यहाँ पर इस पर कोई प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको जो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ध्यान में डालनी है वो ये है कि मानव दिवस कितना निर्मित किया गया, अर्थात मैन डेज, कितने लोगों को मल्टीप्लाइड कितने दिन तक की यहाँ पर रोजगार मिली है, तो वो है 685.18 लाख मानव दिवस, और 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार कितने हैं, तो 26,920 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है 100 दिनों का। तो इसके साथ ही ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये जो चैप्टर वन या ये जो सीरीज़ मैं शुरू किया हूँ, ये आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और आपसे जितना भी यहाँ पर पूछा गया है उसे सवाल पूछा गया है उसे कमेंट सेक्शन पर आप ज़रूर बताएंगे, और इसके बाद के चैप्टर्स के वीडियो भी लगातार आएंगे। आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है क्वालिटी पर एनरिचमेंट करने के लिए, तो और मुझे ऐसी आशा है कि वो बिल्कुल आपके तरफ से मिलते रहेगी। तो इसके साथ ही घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।